शाला दर्पण पर आने वाले मैसेज अपडेट स्कूल नेम एज पर डिपार्टमेंट नॉर्म्स को इस प्रकार करें अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, शाला दर्पण के होम पेज पर आज एक मैसेज ओपन हो रहा है, यानी एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है जिसके जरिए हमें अपने स्कूल का नाम हिंदी और अंग्रेजी में अपडेट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम शाला दर्पण ओपन करते हैं तो हमारे सामने यहाँ डेट है 31 अक्टूबर 2019, या अपडेट स्कूल नेम एज पर डिपार्टमेंट नॉर्म्स, यानी डिपार्टमेंट के अनुसार आपकी स्कूल का नाम है वो आपको अपडेट करना है। तो किस प्रकार ये अपडेट करना है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बताते हैं आपको शाला दर्पण पर आने वाले मैसेज जिसमें अपने स्कूल का नाम अपडेट करना है वो किस प्रकार करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों बिल्कुल छोटा सा वर्क है, यानी छोटा सा काम है, आराम से आप अपने आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा गूगल क्रोम में, यहाँ जाकर टाइप करेंगे राजरमसा और अपने स्कूल की लॉगिन आईडी को आपको ओपन करना है। मैं आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी ओपन करके नहीं दिखा रहा, आप सभी को लॉगिन करना आता है, इसलिए डायरेक्ट ले चलता हूँ स्कूल की वेबसाइट पर ही। ये देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं स्कूल की वेबसाइट पर। यहाँ पर हमें एक मैसेज मिलता है अपडेट स्कूल नेम एज़ पर डिपार्टमेंट नॉर्म्स, ठीक है। अगर आपने नीचे का मैसेज है विद्यालय जीआई निर्देशांक कोऑर्डिनेट सत्यापन, अगर आपने ये नहीं किया है तो उसका वीडियो इस वीडियो के लास्ट में एक बॉक्स बन कर आएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं अपडेट स्कूल नेम के बारे में। आप चाहें तो यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो ऊपर आप ये जो स्कूल का नाम आ रहा है यहाँ पे देखिए, स्कूल, स्टाफ, स्टूडेंट, तरह तरह के जो ऑप्शन है, इस स्कूल में जाइए, यानी यहाँ खोलिए स्कूल को। स्कूल ऑप्शन खोलने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ तीसरी लाइन में यहाँ लिखा आएगा अपडेट स्कूल नेम एज पर डिपार्टमेंट नॉर्म्स। यहाँ से आप भी अपडेट कर सकते हैं, यानी दोनों तरीके हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्कूल ऑप्शन खोलकर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपको करना क्या है। यहाँ पे आप सीधा क्लिक कीजिए इसके ऊपर, मैसेज जो आ रहा है अपडेट स्कूल नेम, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ये ओपन होने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की कुछ एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे विद्यालय का नाम विभाग के निर्देशों के अनुसार अपडेट करें। यहाँ पे विद्यालय का नाम इंग्लिश, विद्यालय का नाम हिंदी दोनों आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों कि नीचे, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको नीचे ऊपर करना है यहाँ से। ये देखिए ये जो लिखा आ रहा है यहाँ पे ऊपर कर दीजिए, नीचे लिखा आ रहा है निर्देश, स्कूल के सामान्य नाम यथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय एटसेट्रा के पश्चात लगने योग्य ग्राम पंचायत क्षेत्र कॉलोनी एटसेट्रा का विवरण दे देना है आपको। यानी आपको यहाँ जो नाम लिखना है पुनः वो नहीं लिखना है, जैसे आपका विद्यालय है राजकीय प्राथमिक विद्यालय तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल देखिए लिखा हुआ है पहले से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। अगर आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है तो भी यहाँ लिखा आएगा आपका नाम। पीछे का जो है विवरण, जैसे किसी के स्कूल के पीछे बैंकटी खुर्द, किसी के नाम के पीछे जो कॉलोनी आ रही है उस कॉलोनी का विवरण, या जो ढाणी आ रही है उसका विवरण यहाँ पर आपको देना है। ये इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में देना है। हिंदी के लिए दोस्तों ध्यान रखें, कृपया हिंदी नाम के लिए केवल यूनिकोड फॉन्ट का ही उपयोग करें, डेविस, कुरुंती देवी अथवा अन्य फॉन्ट का उपयोग नहीं करें, ठीक है। यहाँ भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहले से लिखा हुआ है, उसके बाद की जो ढाणी है या जो क्षेत्र है, जो गांव है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और अधिकतम 20 अक्षर इसके हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते, अगर होंगे तो सेव नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है, क्या विद्यालय के वर्तमान नाम के पूर्व स्वीकृत रूप से कोई उपनाम जैसे स्वतंत्रता सेनानी है, शहीद, सेठ, भामाशाह लगाया जा रहा है, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। उसके बाद प्रोसेस बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप दोस्तों प्रोसेस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आपकी स्कूल का नाम इंग्लिश में शो हो जाएगा, उसके बाद उसका कोड भी शो हो जाएगा, उसके बाद नीचे हिंदी में भी आपका स्कूल का नाम शो हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म के रूप में यहाँ पे कोड नज़र आएंगे और जीपीएस जैसे लिखा आ रहा है, जीयूपीएस है तो जीयूपीएस आएगा और नीचे कोड लगकर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई गलत टाइप हो गया है तो आप यहाँ से हाँ बदलाव अपेक्षित है, यानी कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अन्यथा उपरोक्त सही है सेव करें बटन पर क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने एक और मैसेज बॉक्स ओपन होगा जहां लिखा आएगा प्रविष्टि के अनुसार विद्यालय का नाम। इंग्लिश में नाम आएगा, हिंदी में आएगा, शॉर्ट फॉर नेम आ जाएगा। कृपया विद्यालय के नाम ठीक से जांच लें। एक बार सेव करने के बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर आपका नाम विद्यालय का नाम सही है तो आप उपरोक्त नाम सही है बटन पर क्लिक कर दीजिए, अन्यथा आप क्लोज बटन पर क्लिक करके आप दोबारा भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी दोबारा भी आप अपना नाम को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का काम ये था, एक छोटा सा काम है जो आप बिल्कुल आप आराम से आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न भूलें।